अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल से भले चंगे हैं। ये मैं स्टीम दे रही हूँ रिया साहब को, और शुमैला ने स्टीम ली है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए स्टीमर से स्टीम ली है। तो मैंने कहा उनके लिए हल्का फुल्का नाश्ता भी बना देते हैं, अंडे उबल रहे हैं उनके लिए, और टोस्ट भी बना लेंगे, और चाय दे दूँगी, साथ चाय भी पक रही है। सुबह का टाइम है, ये कुछ बंदे सो रहे हैं और कुछ हम दो तीन बंदे उठे हुए हैं, आदिल सो रहा है, बंदे ही कितने हैं हम घर में। ये मैंने टोस्ट सेक लिए है, हल्का सा घी लगा के बिल्कुल, और चार टोस्ट बना लिए मैंने, क्योंकि दो दिन उन्होंने लस्सी ली थी तो उनका गला ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा आज आप बस अंडे ले लें और चाय ले लें, साथ में भी चाय ले लूँगी। ज़्यादा वाली चाय मेरी है क्योंकि मैं ज़्यादा चाय लेती हूँ और वो थोड़ी लेते हैं। ये साथ ही सुक्राल डाल रही हूँ क्योंकि हम दोनों को शुगर है, तो इसलिए, और साथ मलाई भी है, तो उस पर अगर लगाएंगे तो लगा लेंगे, नहीं तो मैं लगा लूँगी। तो साथ ये नमक भी रख दिया है उनके लिए, अंडे लगा के खा लेंगे थोड़ा सा। ये मैं जन्नत का फिराक सी रही हूँ, गुम सिलाई वाला लैस लगानी थी, है कहते हैं ये जो है मलाई लॉन है, मैं तो इसको लीला नहीं कहती हूँ, पतली लीला ने धागे निकल जाते हैं या कुछ भी। जी मैं गुम सिलाई से उसकी लैस लगा रही हूँ, फिराक सी रही हूँ, जब पहनेगी तो आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि लॉन के जो कपड़े थे वो इतना ज़्यादा खड़े नहीं, इस दफ़ा पहले ही दो पे चले गए थे, तो वैसे भी अब ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा चलें भी इनका इसका लीलन का मैं सी लूँ फिराक। तो ये गुम सिलाई मैंने की है, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे लगाती हूँ और आप लोग पता नहीं कैसे लगाते हैं। ये देखें, ये इसको पीछे से सिलाई मारूँगी, पहले लैस और कपड़े पे, फिर कपड़े की फिर सिलाई मार दूँगी। ये मैं ले आई थी सोफ़ा कम्बैट का कपड़ा, तकरीबन पता नहीं 5 मीटर था, 700 का, इसमें से 2 सोफ़ा कम्बैट की चादरें भी निकली हैं और एक इस्त्री स्टैंड का भी कपड़ा निकला है, वो भी मैंने सी दिया है। ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा।